नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रिज्म का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा स्टाइलिश गेमिंग ईयरबड्स फॉर म्यूजिक कॉलिंग एंड गेमिंग अंडर रुपीज 1100, सो ट्रूप ने लॉन्च किया अपना ब्रांड न्यू GWS अपने BTG सीरीज के अंदर, दैट इज ट्रूप BTG फ्लेक्स। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं ये ट्रूप BTG फ्लेक्स बॉक्स है कितना तगड़ा निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So this is the box of Truk BTG Flex. On the front, Born to Flex written with Truk logo. Back side में key highlights mention है, dual pairing, ultra low latency देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारा features है जो कि आगे हम लोग discuss करेंगे। It's not a game, it's a rage game. बॉक्स हो गया ओपन, आज यूजुअल जैसे रहता है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा एक वारंटी कार्ड, देन आपको देखने को मिल जाएगा यूजर मैनुअल, एंड देन आपको देखने को मिल जाएगा ट्रूक BTG फ्लेक्स GWS, एंड लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा टाइप सी केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो दोस्तों, आपका ट्रूक BTG फ्लेक्स बहुत ही अच्छा डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द ट्रूक BTG फ्लेक्स, फुली पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया, बिल्कुल आपको चिप टाइप का फील देखने को नहीं मिलेगा। वेरी गुड फिनिशिंग टच विद गुड क्रोम पेंडिंग डिजाइन, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल आपको हैवी फील देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली मेरे को ये अच्छा लगा ट्रूक BTG फ्लेक्स में, इधर को RGB लाइट देखने को मिल जाता है क्योंकि एक तो गेमिंग ईयरबड्स है जो कि बहुत ही अच्छा है, एंड ट्रूक BTG फ्लेक्स इधर को 3 कलर्स में देखने को मिल जाएगा। वेरी गुड डिटेलिंग ऑन डिजाइन, एंड इधर को ग्लॉसी टाइप का फिनिशिंग टच दिया गया, मैट टेक्सचर देखने को मिल जाता है, बिल्कुल भी स्लीपर ही नहीं है, आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, एंड इधर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आएगा, एंड इसका हिंज वेज भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते ओपन क्लोज अगर आप कंटिन्यूस करते हैं तो इधर को कोई भी ढीला नहीं होगा। अभी ईयरबड्स को देखते हैं, सो दिस इज द ईयरबड्स ऑफ ट्रूक BTG फ्लेक्स, परफेक्ट साइज है, ज्यादा बड़ा स्टेम नहीं है, बहुत ही अच्छा डिजाइन में देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं परफेक्ट साइज है, अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज करते हैं तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे ब्रांड इसी प्राइस के अकॉर्डिंग इधर को थोड़ा बड़ा दे देते हैं स्टेम, लेकिन ट्रूक BTG फ्लेक्स इधर को परफेक्ट साइज में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं डिजाइन अगर बात करता हूँ तो ईयरबड्स मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, एंड इसका केस भी ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा भी देखने को नहीं मिलता है, एंड ट्रूक BTG फ्लेक्स इसका जो गेमिंग RGB लाइट है जो कि आपको एक तो बहुत ही अच्छा गेमिंग वाइब्स प्रोवाइड करता है। तो अभी फिजिकल ओवरव्यू को देखते हैं। सो दोस्तों, ट्रूक BTG फ्लेक्स इधर को प्रॉपर गेमिंग वाइब्स प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली ट्रूक प्रोवाइड्स द बेस्ट डिजाइन एट दिस प्राइस पॉइंट। फुली इधर को मैट टाइप का टेक्सचर देखने को मिल जाता है विद ग्लॉसी डिजाइन, फ्रंट साइड में इधर मैट टाइप का टेक्सचर देखने को मिल जाता है विद RGB LED इंडिकेटर, डाउन साइड आपको देखने को मिल जाएगा चार्जिंग पोर्ट जो कि ये टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ईयरबड्स का अगर मैं बात करता हूँ तो ईयरबड्स इधर को परफेक्ट साइज में देखने को मिल जाता है, एंड ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, परफेक्ट साइज हैवी भी नहीं है, आप इसको अच्छे से लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं। इधर को ट्रूक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है RGB लाइट जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी प्राइस के अकॉर्डिंग इतना अच्छा डिजाइन कोई भी आपको ब्रांड प्रोवाइड नहीं करते जैसे आपको ट्रूक ये प्रोवाइड करता है। एंड ये जो ईयरबड्स इधर को ENC सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दैट इज एनवायरमेंटल नॉइज कैंसल, तो आप इसको अच्छे से आउटडोर में यूज कर सकते हैं, एंड ये जो ईयरबड्स है फुली इधर पर टच कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो अभी स्पेसिफिकेशन है देखते हैं। सो दोस्तों, ट्रूक BTG फ्लेक्स प्रोवाइड्स लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, सो नो सिम कनेक्टिविटी, बहुत ही स्पीडली पेयरिंग हो जाता है, इट कवर्स 10 टू 15 मीटर रेंज एट दिस प्राइस। कोई भी ब्रांड इधर को ब्लूटूथ 5.4 नहीं देते जैसे आपको ट्रूक BTG फ्लेक्स प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही अच्छा है। स्वेट प्रूफ IPX 4.0, अगर डीजल लेन में यूज करते हैं, जिम में यूज करते हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मेन थिंग अभी आप देखेंगे इसका साउंड कैसा है, तो अभी आप पूछेंगे ट्रूक BTG फ्लेक्स का साउंड कैसा है, तो ये आपको बहुत ही तगड़ा साउंड देखने को मिल जाता है। ये 39 का डायनेमिक ड्राइवर को सपोर्ट करता है, वो 360 डिग्री पासे लोड एंड हाई पे DSP साउंड को ये प्रोवाइड करता है। अगर आपको मूवी वगैरह देखते हैं या फिर मतलब लॉन्ग टाइम के लिए मूवी देखते हैं या फिर वेब सीरीज देखते हैं तो ये आपको एक तो सिनेमेटिक साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ट्रूक BTG फ्लेक्स, वेरी इमर्सिव साउंड एट दिस प्राइस पॉइंट। तो मैं ईयरबड्स को अराउंड 1 वीक हो गया यूज किया हूँ, मैं अपना फोन में कनेक्ट किया, लैपटॉप में कनेक्ट किया, टीवी में कनेक्ट किया, बहुत सारा वेब सीरीज देखा, मतलब म्यूजिक सुना डिफरेंट सिनेरियो का, तो मेरे को कहीं पर भी कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिला, बहुत ही अच्छे से आपको स्मूथ साउंड प्रोवाइड करता है ये ट्रूक BTG फ्लेक्स। तो इसमें आपको ENS टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जाकि दैट इज एनवायरमेंटल नॉइज कैंसल, तो अगर आप इंडोर में कॉल लेते हैं या फिर आउटडोर में कॉल लेते हैं ये बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करता है, आपको तो परफेक्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड ये ट्रूक BTG फ्लेक्स में इधर को क्वाड माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप इसको कॉलिंग के लिए ईयरबड्स यूज कर सकते हैं, एंड ये SBC AAC कोडेक को सपोर्ट करता है। बैटरी वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रूक BTG फ्लेक्स का इधर को जो इसका केस है इधर को 500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है,
इच ईयरबड्स इधर को 40 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है एंड ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 मिनट्स अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो इसको 100 मिनट्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है एंड ये रैपिड चार्ज को सपोर्ट करता है। ईयरबड्स जो इधर को 8.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है सिंगल चार्ज में एंड अगर आप ये केस को चार्ज करना चाहते हैं तो ये फुल चार्ज हो जाएगा विद इन 1.5 आवर के अंदर ये फुल चार्ज केस हो जाएगा क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड ये ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स इधर को बहुत ही अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दैट इज डुअल पेयरिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो दूसरे मतलब ज्यादा फ्लैगशिप ईयरबड जो है वो मतलब प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं उसमें आपको डुअल पेयरिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इधर को ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स इतने कम प्राइस में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक लैपटॉप या फिर फोन या फिर दो फोन एक ही साथ आप इसको यूज कर सकते हैं एंड दिस इज ए प्योर गेमिंग TWS क्योंकि इधर को RGB लाइट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मैं इसमें कुछ पबजी खेला, फ्री फायर खेला तो मेरे को कुछ ऐसे कमी देखने को नहीं मिला, बहुत ही अच्छा है। इधर को अल्ट्रा लो लेटेंसी को सपोर्ट करता है, दैट इज 40 mAh का अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इधर कैजुअल गेम प्ले करते हैं तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो पबजी में मेरा एक्सपीरियंस वाइज बहुत ही अच्छा था, गन शॉट या फिर एक्यूरेट फुटस्टेप तो अच्छे से इधर डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि ठीक ठाक है। एंड ये जो ईयरबड्स है तो मैं इसको लगभग पबजी 2-4 मैच खेला तो इधर को ज्यादा बैटरी भी ड्रेन नहीं होता है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करते हैं मतलब साउंड म्यूजिक सुनते हैं तो कंटिन्यूअस यूज करने से इतना ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होता क्योंकि इधर को ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज करता है, इधर को बहुत ही परफेक्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो इसका ईयरबड्स का डिजाइन जैसे कि आपको बताया परफेक्ट साइज में आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से जिम वगैरह जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक जाते हैं आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको देखिए लगा दिया हूँ, तो देख सकते हैं नहीं निकलता है, बहुत ही टाइट एंड स्नगली फिट होता है। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं या फिर बाइक वगैरह जाते हैं तो आप अच्छे से ये ट्रूक फिट बड्स को लगा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज साउंड क्वालिटी। तो इधर को बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाता है क्योंकि 13mm डायनेमिक ड्राइवर को सपोर्ट करते हुए 360° स्पेशल ऑडियो एंड हाई पे DSP साउंड, तो साउंड में इधर को कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। मैं ईयरबड्स को लगभग अराउंड 1 वीक हो गया यूज किया हूं, तो इसमें मैं मूवी वगैरह प्ले किया, वेब सीरीज देखा, डिफरेंट सिनेरियो में म्यूजिक प्ले किया, तो इधर को परफेक्ट साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है जो कि इसी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करता हूं इतना अच्छा क्लैरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता जिससे आपको ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स प्रोवाइड करता है। बेस इधर को हेवी देखने को मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल साउंड वोकल सेपरेशन ठीक ठाक है, ऐसे नहीं है कि सब मतलब कॉन्टिन्यूस जो भी म्यूजिक आप प्ले करेंगे बेस हेवी हो जाएगा, ऐसे नहीं है। स्मार्ट ही रिकॉग्नाइज करते हैं जो म्यूजिक में आपको बेस ज्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली बेस हाई कर देगा, जिसमें आपको लो चाहिए ऑटोमेटिकली बेस लो कर देगा जो कि ठीक ठाक है। म्यूजिक क्लैरिटी वाइज ठीक ठाक है, इधर को एटलीस्ट 70% वॉल्यूम में सुनते हैं दैट इज एनफ, तो आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं तो अगर आप कंटिन्यू 3-4 आवर्स मूवी वगैरह देखते हैं या फिर वेब सीरीज देखते हैं इधर को कोई भी जिटरी फीलिंग देखने को नहीं मिलेगा। जिटरी मतलब क्या है, जिटरी मतलब यह है कि अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो कि बजट फ्रेंडली ईयरबड्स है तो अगर आप कंटिन्यूस इसको यूज करते हैं तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, वन साइड पेयर होगा या फिर अनपेयर हो जाएगा, ऐसे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स में जो कि प्रॉपर ऑप्टिमाइज ईयरबड्स देखने को मिल जाएगा। नो पेन नथिंग, इधर कोई भी पेन देखने को नहीं मिलेगा। इसका सिलिकॉन ईयरटिक्स बहुत ही अच्छा है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये कॉलिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है क्योंकि इधर को क्वाड माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड ENC का सपोर्ट करता है, दैट इज एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिल, ये बैकग्राउंड नॉइज का सबसे रिड्यूस करता है, आपको एक तो परफेक्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। मैं इसमें 8 से 9 कॉल अटेंड किया, 2-3 गूगल मीटिंग में अटेंड किया, तो अपोजिट पार्टी जो कि मेरा वॉइस सुन रहे थे उनको कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, अच्छे से आप हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे। तो अभी आपको मैं एक तो सैंपल दे देता हूँ कॉलिंग का, तो जहां से आपको आइडिया हो जाएगा ये ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स का साउंड आपको कैसा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स का इंटरनल माइक से, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा इसका माइक क्वालिटी कैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको डेडिकेटेड ENC मोड देखने को मिल जाता है जो कि बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करके एक तो परफेक्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। Now let's pair this to my phone. So pairing process बहुत ज्यादा सिंपल है, इधर को ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिल जाता है, बहुत ही स्पीडली ये कनेक्ट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेयर करने से थोड़ा टाइम लगता है तो देख सकते हैं मेरा फोन में अभी ये कनेक्ट हो चुका है एंड ये डुअल डिवाइस पेयरिंग को सपोर्ट करता है, एट द सेम टाइम आप दो फोन को इधर कनेक्ट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं मेरे दो फोन अभी कनेक्ट हो चुका है। एंड ये जो ईयरबड्स इधर को फुल्ली टच कंट्रोल में देखने को मिल जाता है, इधर को मल्टी टच फंक्शन देखने को मिल जाता है, सिंगल टैप करने से म्यूजिक प्ले पॉज होगा, कॉल पिकअप एंड एंड होगा, डबल टैप अगर आप राइट साइड को करते हैं तो नेक्स्ट सॉन्ग को फॉरवर्ड हो जाएगा, डबल टैप अगर आप लेफ्ट साइड को करते हैं तो प्रीवियस सॉन्ग को आ जाएगा, अगर आप लेफ्ट साइड को ट्रिपल टैप करते हैं तो इधर को हाई फाई गेमिंग मोड एंड हाई फाई म्यूजिक मोड एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप राइट साइड को ट्रिपल टैप करते हैं तो इधर को गूगल असिस्टेंट एंड सीरी वेक हो जाएगा।
फाइनली कंक्लूजन कहते हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स में इधर को क्या देखने को मिल जाता है। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन आई लव दिस ईयरबड्स का डिजाइन, इधर को आरजीबी गेमिंग ईयरबड्स देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, म्यूजिक क्लैरिटी इसका बहुत ही अच्छा है, स्टार्टिंग एट रुपीज 1100, दिस इज अ लॉन्च प्राइस, प्राइस में भी डिफर इन द फ्यूचर। अगर आप इसको अभी प्री बुक करते हैं तो फ्लैट 100 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली रिकमेंडेड टू बाय दिस, अगर आप बजट फ्रेंडली गेमिंग ईयरबड चाहिए तो यू कैन ट्राई दिस ट्रूक बीटीजी फ्लेक्स, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजन एंड ट्रूक वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ वो बदल रही है।